हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी जैसे कि महापर्व छठ चल रहा है, तो आज है शाम वाला अर्घ और अभी हम लोग नहा धो के आए हैं, तो इस वजह से ऐसे आपको दिख रहा है। और अभी प्रिपरेशन चल रही है, अभी जितना फल है वो वॉश हो रहा है, मतलब धुला रहा है। शाम का अर्घ का जो तैयारी खत्म होने के बाद फिर हम लोग जाएंगे घाट पे, तो वो सब कुछ देखने को मिलेगा। नानी फल दिखा रही। एक्चुअली मैं बता दूं, जैसे नेक्स्ट व्लॉग में बताई थी कि नानी छठ की हुई है और इधर मामी छठ की हुई, मामी छठ की हुई है और हम लोग आए हुए हैं नानी के ननद के यहाँ, है ना नानी? आपके ननद के यहाँ आया है ना, फुआ दादी, यानी फुआ नानी के यहाँ हम लोग आए हुए हैं। और इधर चौहान जी वो कुर्ता पैजामा पहन चुके हैं। और ये जैसा पिछले ब्लॉग में बताई थी कि ये जो घर है ये एक्चुअली अभी यहाँ पे शिफ्ट है, लेकिन हम लोग मामी जी का दूसरा घर बन रहा है, लेकिन वहाँ पे पूजा नहीं हुआ है, तो इसी वजह से अभी इस घर में हम लोग छठ बना रहे हैं। अगले साल भगवान करे कि उसमें हो जाए गिरी प्रवेश, तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसमें छठ बनाएंगे। ये सारे फल धुला चुके हैं, ये धुला रहा है, इधर रखा हुआ है, इधर रखा हुआ, अभी उधर भी रखा हुआ है, तो बहुत सारा है। और जो सूख दौर है ये सब सूख रहा है धुलाने के बाद, तो इसमें भी सजेगा। गाइस तो दौरा सज गया है, देखो ये इधर नानी कर रही हैं और उधर मामी जी का भी सजा है, वहाँ पे रखा चुके हैं, सूप सज कर दौरा में रखा है। अब मैं सही गाइस रेडी हो चुकी हूँ थोड़ा सा, और रेडी हो चुकी हूँ और दिखाती हूँ कि चंदू क्या कर रही है। आलता जो कि हमारे कल्चर में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कोई भी पर्व हो, फेस्टिवल हो, तो जितनी भी सुहागन लेडीज़ हैं वो ज़रूर ये लगाती हैं। अच्छा राखी नहीं तैयार है? हाँ चंदू रुक जी इसी में, और मामी जी भी रेडी हो रही हैं धीरे धीरे, नानी भी रेडी ही है। तो अभी हम लोग निकलने से आ रहे हैं, देखो सभी लोग रेडी हैं, मामी एक बार हाँ, और नानी जी, ये क्या कर लिए हैं? हाय हटाइए ना उसको से, चलो ना तीन लग चार लग पांच लग आ रहे हैं। इट्स मी चंद्रानी, एक्चुअली भाभी इस गांव की बहू है, तो भाभी वीडियो नहीं बनाएगी क्योंकि वो नहीं बोल सकती है, तो उन्होंने मुझे बोला है कि वीडियो बनाओ, तो हाँ मैं प्रो नहीं हूँ बट मुझे जितना आएगा मैं कोशिश करूँगी कि मैं कवर कर लूँ। ये नानी नहा ली है और नानी अभी सूरज देवता को देख कर वो गीत गा रही है। ये रहा इस साइड, है सूरज भगवान, भाभी भी उनके साथ गा रही है। मैं और बाकी आप लोग को दूसरा पीछे का दिखाती हूँ। ये मंदिर है जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, यहाँ पे गांव के जितने लोग हैं वो सारे पूजा करते हैं, और ये सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ पे सारी लेडीज़ बैठी हुई हैं, जिन लोगों ने छठ पर्व किया है वो वहाँ पे बैठ के गीत गा रही हैं। वो सर तो कांटा है। पीछे से कैसे रिकॉर्ड लेंगे, आएंगे बाहर रखी ना ऊपर। अरे हे मानो मोरा मन से बने हो, तो क्या हो रहा है?
अच्छा पीछे में चौहान बस भोर के साथ खान भा फिर कह कहले तो खरीद लीजिए तो पैसे कर लीजिए लाइकन के है सुन कि मामा हम उस साइड चल जाए हम मामी का कर दें देखो ना वो समय होगा ना दोनों मम्मा के जी हम पापा के चल पापा पीछे ए चंदू तो पीछे से आके आप पकड़ लीजिए नानी को हाँ नानी को पकड़ लीजिए दीदी आ गए तो दीदी को भी भेज दीजिए तो गाइस यहाँ पे मुझे ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी ये क्योंकि प्रॉपर गांव है और गांव में क्या होता है कि बहू लोग को थोड़ा सा मतलब सब कुछ देख के चलना पड़ता है तो इसी वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी बट जहाँ तक मेरे से हो पाया मैं उतनी कैप्चर करने की कोशिश की हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि छपरा में ना छठ ऐसे मनाते हैं लोग मतलब पानी में अर्घ नहीं देते ऐसे मतलब उनका एक जो बना हुआ है ना यहाँ पे भगवान जी मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं इनको लेकिन यहाँ पे भगवान जी बने रहते हैं यहीं पे पूजा होती है कथा होती है फिर अर्घ देते हैं तो ऐसे करके यहाँ पे छठ मनाते हैं तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय।